तो ऑफिशियली गाइस आज मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मिल फ्लावर हूँ, सबसे बड़ा मिल फ्लावर मैन आई लव फ्लिक। भाई साहब क्या ही बंदा है, क्या ही बंदा है, पूरे ड्रेसिंग रूम को चेंज कर दिया। ये बारसा की टीम जावी के अंडर, मैं जावी को कुछ नहीं बोल रहा पर यही टीम जावी के अंडर मतलब इतना हग रही थी। जिरोना को हमें 4 गोल पेल दिए, ये टीम जिरोना वन ऑफ द बेस्ट टीम थी लास्ट सीजन। सेम मैनेजर, सेम बाकी एक दो प्लेयर चेंज, हमने उनको मतलब ऐसा पेल दिया आज कि मैं बता नहीं सकता। और ये बस एक ही बंदे की मतलब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो है हांसी फ्लिक। जितनी तारीफ करो उतनी कम हांसी फ्लिक की, मैं सच बता रहा हूँ। ये बंदा इंटरव्यू मतलब मैच खत्म होने के बाद एक इंटरव्यू में बोलता है मुझे लामिन यमार और इसने तो बता दिया था कि अगर वो लोग आज गोल मारेंगे, और पेद्री को उसने बोला था अगर तू तुझे खेलना है और तूने गोल मार दिया तो तुझे मुझे आकर हक करना पड़ेगा। और यहाँ पे पेद्री ने फिर बोल दिया कि नहीं मैं जानबूझकर गया और मुझे मैंने सोचा था कि अगर मैं गोल मार देता तो मैं फ्लिक के साथ ही सेलिब्रेट करता। और भाई साहब ये ड्रेसिंग रूम का माहौल देख रहे हो आपके कितना अच्छा है, आई होप नज़र ना लग जाए बारसा को किसी की। और हमारा दो दूसरा बंदा है, मैच मतलब जैसा स्टार्ट हुआ है पहले 10 मिनट मतलब ऐसा मतलब दिख रहा था भाई साहब कि भाई कि इंटरनेशनल ब्रेक हिट कर दिया है बारसा को, क्योंकि बारसा तो भाई मतलब जैसे बारसा ने लास्ट गेम मतलब इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जैसा बारसा ने फिनिश किया था तो वो वाली बारसा नहीं दिख रही थी 10 मिनट में स्टार्टिंग। और बारसा ही मतलब अटैक कर रहे हैं पर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था अटैक्स वगैरह। पर भाई साहब 29 मिनट को यमाल ने यहाँ पे क्या कर दिया, बॉल खुद मतलब पोजीशन विन कर दिया और यहाँ पे शानदार गोल। और भाई साहब वो गोल मुझे बताओ, मैं बता रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब वो मिस कर देगा वन ऑन वन, पर भाई साहब मार दिया भाई, वो यमाल है भाई, यमाल है। और मुझे ऐसा लग रहा है यमाल मुझे लग रहा है ये 2-3 साल में पक्का बलेंडोर जीतने वाला है, मैं लिख के दे रहा हूँ। ऐसा ही अगर वो खेलता रहा तो पक्का जीतने वाला है। और 36 मिनट में फिर और एक गोल मार दिया, और वो मतलब राफिना की फ्री किक, और वो मतलब यमाल को वैसा ही प्लेसमेंट करा था कि भाई साहब अगर बॉल रिबाउंड पे मिलता है तो तू आराम से ठोक दो, और उसने ठोक दिया गोल। जिरोना को मतलब ख़त्म कर दिया भाई साहब, मतलब कुछ नहीं कर पाए जिरोना। और टेस्ट गन का मतलब वो सेव फर्स्ट हाफ में वो क्रुशियल सेव था, ऑलमोस्ट गोल था पर अच्छा सेव किया। फिर पेनल्टी शॉट मिली और पेनल्टी शॉट में उनको नहीं मिला पेनल्टी, पता नहीं क्यों। और पता नहीं क्यों मतलब निगो मार्टिनेज का मतलब वो नेचुरल हाथ तो मतलब वो वीआर की मतलब डिसीजन है वो देते या नहीं। और हैंसी फ्लिक ने भी इंटरव्यू में बोला था कि रेफरी के डिसीजन, मैं ऐसा मैनेजर नहीं हूँ जो मतलब रेफरी के डिसीजन पर आकर रोए और एक्सक्यूज दे, मैं ऐसा मैनेजर नहीं हूँ, अगर देते हो तो मतलब दिया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये मेंटेलिटी चाहिए थी हमें आगे जाकर, हमें मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा सक्सेस देने वाली है। और हैंसी फ्लिक भाई साहब जैसा उसके स्टार्ट किया है 5 गेम और 5 विन, ला लीगा का टॉपर है हम अभी, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट क्लियर है रियल मैड्रिड से, और अभी यूसीएल भी आने वाला है। और मुझे लग रहा है भाई हमारा क्लब वी आर सो बैक, आई होप नज़र ना लग जाए, मेरे जिंक्स ना लग जाए, YGR जैसे बंदे की यहाँ पे जिंक्स यहाँ पे काम नहीं आ रही है हैंसी फ्लिक के पर, मतलब सोचो। और मैं एक और बंदे की बात करना चाहूँगा और उसका नाम है इनिगो मार्टिनेस। क्या ही सॉलिड प्लेयर है भाई साहब, क्या ही खेल रहा है। आरओ अगर इंजर्ड ना होता तो मुझे नहीं लग रहा है उसको चांस मिलता, लास्ट सीजन में चांस मिला था पर उतना भी नहीं, और पर इसने वो चांस कितना अच्छे से कन्वर्ट किया है भाई साहब। सॉलिड डिफेंसिव, रॉक सॉलिड है इनिगो मार्टिनेस, मैं सच बता रहा हूँ। और उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और बहुत अच्छे से वो मतलब यूटिलाइज कर रहा है उसकी, मतलब जो अभी उसको हैंसी फ्लिक ट्रस्ट दिखा रहा है, और हैंसी फ्लिक के अंडर भाई साहब और बीस्ट जैसा बन रहा है इनिगो मार्टिनेस। और मैं चाहूँगा कि भाई साहब ये कंटिन्यू करे ऐसा ही, क्योंकि ऐसे हमको मतलब हर पोजीशन पर ऐसे ऐसे मतलब प्लेयर चाहिए जिस पर हम रिलाई कर सके, और हैंसी फ्लिक बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। और अभी हमारे अच्छे प्लेयर्स आने वाले हैं, गावी आने वाला है, फ्रेंकी डी योंग आने वाला है, आराओ आने वाला है, तो भाई साहब मज़ा आएगा। मतलब मुझे देखना है गावी आने के बाद वगैरह वो कैसे खेलते हैं। और एक बात तो तय है भाई, बारसा की हेरिटेज है मतलब है, जब रोनाल्डिन्हो वगैरह साइन किए थे, जीडान वगैरह साइन किए थे, तब रोनाल्डिन्हो थे हमारे पास, जब यहाँ पे गैलेक्टिकोस 2.0 बेंजिमा फिर रोनाल्डो वगैरह आए थे तब मेसी था हमारे पास, और अभी अभी मेम्बापे
जूड बेलिंगा, विनिशियस, ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। हमने बस एडिट में देखा था ये सब कि एडिट में मतलब सीजन के स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि मैंने भी रील डाली थी कि सीजन के स्टार्टिंग गैलेक्टिकोस ये और फिर यमार हमारा बंदा ऐसे ऐसे रील में डाला था। अभी ये रियल लाइफ में भी हो रहा है, मतलब रियल लाइफ में प्रूव कर रहा है रामीन कि भाई साहब बारसा की हेरिटेज है कुछ तो, ला मसिया की कुछ तो ऑरा है भाई। ऑरा की बात करें तो भाई साहब ये फ़ोटो आप लोग देखो, ये फ़ोटो देख लो, प्राउड ऑफ माई टीम ब्रो। मुझे भाई मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं ये फ़ोटो देखने के बाद। मतलब जैसे मतलब पूरी सेट है भाई, मतलब किसी भी अभी ये टीम को हराती नहीं है, अभी बारसा की टीम हराती नहीं किसी को, कच्चा चबा जाती है हंसी फिक की बारसा, कच्चा चबा जाती है टीम्स को। और ये मुझे टीम सच बता रहा हूँ, ये मुझे चैम्पियंस टीम की वाइब्स दे रही है। चैम्पियन जो मतलब अर्जेंटीना टीम जैसे थी ना वर्ल्ड कप में, जैसे वो एंट्री मारती थी वगैरह पोज वगैरह देती थी, वैसा मुझे अभी ये वाइब्स दे रही है चैम्पियंस टीम। और आपको पता होगा कि मैसी ने यहाँ पे रिटर्न करने के बाद आज इंजरी के बाद 2 गोल मार दिए और यमाल ने भी 2 गोल मार दिए। भाई साहब मैसी के मतलब राह पे चल रहा है यमाल, और मुझे लग रहा है जैसा मतलब यमाल खेल रहा है टच वुड, मुझे लग रहा है आगे जाकर वो बहुत अच्छा स्टार बनेगा, फुटबॉल जग का नाम ऊँचा करेगा। और 17 साल का बंदा है, 17 साल का। और ये आप फोटो देख सकते हो, 2-4 महीने पहले मतलब ऐसा सेलिब्रेशन किया था जिरोना के मैनेजर ने, और आज का फोटो देखो, मतलब ऐसा रो रहा है, लिटरली रो रहा है, मतलब सोचो। और एक प्लेयर की बात करना चाहूँगा, डैनी ओल्मो, उसका यहाँ पे नोज ब्लीड हो रहा था फिर भी मतलब वो अभी ऐसे न्यूज़ आ रही थी कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा मोनो की गेम पर, अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि डैनी ओल्मो यहाँ पे मिस करेगा 10 से 12 दिन। और वो मतलब इंजरी नहीं है, थोड़ा सा उसको हैमस्ट्रिंग में कुछ तो थोड़ा सा मसल ओवरलोड हुआ था उसका, पर वो ऐसे इंजरी नहीं है, पर 10 से 12 दिन वो मिस करेगा। और भाई साहब ये मुझे जब भी हम बारसा कुछ अच्छी टीम बन जाती है, लाइनअप हमारी फिक्स हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसे इंजरी हो जाती है, पर कोई ना। और प्रे करेंगे डैनी ओल्मो हमारा बहुत अच्छा सा मतलब रिटर्न कर दे जल्दी से। और भाई क्या ही प्लेयर रहा है भाई, 3 गेम में 3 गोल, ही इज़ ऑन फायर ब्रो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैंसी फ्लिक को जितना तारीफ करो उतना कम है, इंस्टाग्राम नहीं है उसका ऑफिशियल, पर जितना तारीफ करो उतना कम है। और मैं खुश हूँ हैंसी फ्लिक मेरा कोच है मेरी टीम का, और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा मैं। तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे यूट्यूब चैनल को। विस्कैल बरसा, थैंक यू।